कैमरा स्टार्ट हो गया। अच्छा ये बंद पहले घड़ी घड़ी की तो है। चले एज यू नो जैसे कि मेरा पहला व्लॉग है, सो माय नेम इज़ तलहा ज़ुबैर एंड आई एम फ्रॉम रिफा इंटरनेशनल कॉलेज। आपको ये बताने के लिए व्लॉग बनाया कि हमारे कॉलेज की जानिब से हमें एनुअल डिनर भी हमें तभी मिला जब हमने 1000 रुपया दिया है। ये ज़रा पॉइंट करने के बाद 1000 दिया तो एनुअल डिनर मिला है। और हाँ ये व्लॉग एज अ फन है, तो बच्चों के हमने रिव्यूज़ वगैरह लिए हैं, तो हमारी ये रिकॉर्डिंग आपके प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा बच्चों की बातें, ये एज अ फन है। यार आपने सबसे पहले ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक लाजमी करना है, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करने की वजह से आपको हमारी आने वाली हर वीडियो के बारे में खबर मिल जाएगी, जैसे मज़ा आ जाएगा आपको हमारी वीडियोज़ देख के। हाँ जी तो हाँ चैनल सब्सक्राइब करने के फ़ायदे हैं, आपको जन्नत मिलेगी, ये जन्नत नहीं वो वाली जन्नत जी। आज हम आए हुए हैं जिम खाने आजमाबाद रिफा इंटरनेशनल कॉलेज RIC, यानी कि हमारे प्रिंसिपल साहब की जानिब से आज एनुअल डिनर का इंतज़ाम हुआ है। तो इट इज़ माई फर्स्ट व्लॉग एज यू नो, सो माई नेम इज़ तलहा ज़ुबैर एंड आई एम फ्रॉम रिफा कॉलेज। यार भाई का फर्स्ट व्लॉग है। हाँ यार जैसे कि आप जानते हैं कोई पता है मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो सब्सक्राइब करो यार। ये भाई अभी अभी आए, ये देखे अल मरूफ जुड़वा, इसका दूसरा भाई भी है। भाई दिखाइए जरा, भाई चले भाई शर्मा रहे हैं, चले आप अंदर जाते हैं हम। ये देखे मजबा इकट्ठा हुआ है, इन सारों को दिखाओ यार जी। ये हमारे असद भाई हैं, असद भाई से पूछते हैं के प्रिंसिपल साहब के बारे में इनकी क्या राय है। जी असद भाई जी मैं तो यही कहना चाहूँगा, वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि हमें आज डिनर मिलेगा यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब का, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए और इनको हदायत अता फरमाए। अच्छा ठीक है। ये भाई देखें इन्होंने भाई ने मैट्रिक में 1080 नंबर लिया जी। भाई आप बताएं, चलो बताओ यार। अब हम आपको अपनी क्लास से मिलाते हैं, ये सारी क्लास हमारी खड़ी है। ये देखिए फास्ट बॉलर ऑफ अहमदाबाद तलहा नज़ीर। आई एम फाइन। तो आपको आज एनुअल डिनर प्रिंसिपल साहब ने दिया है, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या हम? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसमें हमारी हाँ खुश है ठीक, हमारी पूरी क्लास इकट्ठी हो, पूरी क्लास हाँ, तो इसलिए मैंने भी मैंने कहा शिरकत कर लें फिर। हाँ जी शिरकत कर लें, फिर पता नहीं मिलना है कि नहीं हम। हाँ जी मिलना है कि नहीं। हाँ और कुछ? और कुछ आप तो और कुछ कहना चाहते हैं? आप पूछेंगे तो बताएंगे ना। अच्छा प्रिंसिपल साहब के बारे में क्या राय? वो फिर आप सब जानते ही हैं वो कैसे हैं, वैसे हम बताना नहीं चाहते जी। अब हम आपको बाकर साहब के साथ मिलाते हैं, इन्होंने क्या करना आज? हमने नाथ शरीफ पढ़नी है और गाना गाना है। हाँ जी गाना गाना, नाथ के बाद गाना गाएंगे, मुसलमान ही है। गाने से पहले हम कलाम पढ़ेंगे। कलाम भी पढ़ेंगे भाई। प्रिंसिपल साहब के बारे में आप क्या राय है, मतलब कि उन्होंने एक एनुअल डिनर आपके लिए इतना अच्छा वसी इंतजाम करवाया? भाई दिखाइएगा जरा किसके अंदर जिमाने में दिखाइएगा। ये देखें व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। सो आपके कमेंट्स क्या होंगे? हम सबसे पहले तो जब रिफा में आए थे हमने जो कमेंट्स सुने थे, हम ये उम्मीद नहीं से कर सकते कि हमें जिम खाना में पार्टी वेलकम पार्टी मिलेगी, बट उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें पार्टी दी, थैंक यू, मगर उम्मीद नहीं थी। ले जी उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन मुझे उम्मीद है थी। मैं प्रिंसिपल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं रिफा के अंदर, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। चले जी पार्टी भी शुरू हो गई है। बिल्कुल इसकी आपको समझ नहीं आ रहा بسم الله الرحمن الرحيم।
हमारे एलियान भाई हैं, इनसे पूछते हैं कि गाना सुनने के बाद इनके तासुरात क्या हैं, इनका दिल टूट तो नहीं गया, क्या हुआ इनको? भाई मेरा दिल नहीं टूटा, आपके पास दिल ही नहीं, इन्होंने प्लास्टिक का दिल लग गया। Thank you.
क्या उठती है? सर हाथी। चुप ना लाए, तेरे पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा जीरियाला के सेक्रेटरी हैं। शाबाश शाबाश, बेटा लिखो हाथी। सही हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपने ड्रामा देखा है, ये ड्रामा करने वाले मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये मोहसिन भाई हमारे साथ बैठे हैं, जो टीचर थे, जिनकी बहुत ही बिस्ती हुई है, बहुत ज्यादा बिस्ती हुई है। जी सर, बच्चों ने मुझे जलील करके रख दिया है, हर बात का उल्ट जवाब, उल्ट जवाब। इनको जलील करना है जिसने भी करना है। ये अलियान भाई है, ये स्टूडेंट है, बहुत ही होनहार, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दी क्लास। मैं आऊं, इनके मैट्रिक में 1080 नंबर, फर्स्ट ईयर में 253 नंबर। बस यार क्या करें, जैसा कॉलेज या प्रवासी होना था। हम पहले हम इंटरनेशनल पढ़ते, आप फिर इंटरनेशनल में आए हैं, क्या वाह करें आप। या ब्ला 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 ब्ला। इस इनकी आपको समझ नहीं लगी होगी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। इग्नोर कीजिएगा। मिला कहता है कि पप्पू आपको एक बात ना बताएं, बहुत काम आए। कहता है ठीक है, कहता टीवी का साइज बहुत छोटा है और आपका साइज बहुत बड़ा है, ना कि उसने सिनेमा का रुख किया। एडिशन के लिए एक कैमरा इधर, एक कैमरा इधर, न जाने कितने किलो इलेक्ट्रॉन उसके मुंह पर मारे गए, तब कहीं जाके उसका एडिशन हो गया। बाद में जब पता चला कि ये भी फिल्म या ड्रामे के ऐड नहीं, बल्कि फेयर लवली के ऐड था, जिसमें किसी खूबसूरत नौजवान की तस्वीर ली गई और पप्पू की तस्वीर ली गई, जिस पर लिखा गया, पप्पू की तस्वीर पर लिखा गया इस्तेमाल से पहले और खूबसूरत नौजवान की तस्वीर पर लिखा गया इस्तेमाल के बाद। नब्याली वहां पप्पू थोड़ा मायूस हुआ और उसने परचून की दुकान खोल ली। तो जो भी टीम थी उमेर साहब की, जिन जिन बच्चों ने यहाँ पे आके परफॉर्म किया, वो सारे मुबारकबाद के मुस्तक हैं। यार आपके भाई ने भी पार्टिसिपेट किया, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा तलावत में, उसका शॉट नहीं बना सके क्योंकि मोबाइल के पास था। अलियान भाई से पूछ ले, मोबाइल चला के पास और मेरे पास नहीं हुए, मेरे पास नहीं था, हां नहीं था, इसको बात सही समझ नहीं आती। उमेर साहब वरी क्लोज आया जे, ओए पढ़ तेरी, ये हमारे जोन से क्लास का लड़का है हाफ़ा सलमान। आओ सॉरी सॉरी। अब सब आपको ये शील्ड लेके कैसा महसूस हो? शील्ड लेके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत है। शील्ड ले लिया आपने? गोल्ड की शील्ड? नहीं लिया नहीं है, शील्ड कराया मैंने। टंडू अच्छा था, दूसरा बता। एक और टंडू, तू बाकी रिफा से पढ़ के आए? अच्छा बात है ना, करता बता किस भाव देता चने? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो।